देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, गवर्नर ऑफ कर्नाटका श्री थावरचंद जी गहलोत, चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका श्री बसवराज जी बम्बई, उन्हें यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन श्री ज्योतिरादित्य जी सिंधिया, श्री अजय भट्ट जी रक्षा राज्य मंत्री, ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर्स एंड अदर पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम फ्रेंडली कंट्रीज, जनरल अनिल चौहान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सर्विसेज के हमारे चीफ एडमिरल आर हरिकुमार चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी चीफ ऑफ एयर स्टाफ, जनरल मनोज पांडे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, श्री गिरधर अरमाने डिफेंस सेक्रेटरी, अन्य गणमान्य प्रतिनिधि और अधिकारी वर्ग, मीडिया के मित्रों, देवियों व सज्जनों, एल्लारुगु नमस्कार। आज एरो इंडिया 2023 के उद्घाटन समारोह के महत्वपूर्ण अवसर पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का हम सबके बीच होना हम सबके लिए एक प्रसन्नता का विषय है। अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से समय निकालकर आपने यहां अपनी गरिमामयी उपस्थिति प्रदान की है। कर्नाटक की इस ऐतिहासिक और महान धरती पर आपका स्वागत और अभिनंदन करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारा देश हर क्षेत्र में सफलता की नई ऊंचाइयां छू रहा है। विश्व के राजनीतिक और आर्थिक मानचित्र पर हमारा देश आपके नेतृत्व में पिछले कुछ वर्षों में बड़े मजबूती के साथ उभर कर सामने आया है। एरो इंडिया एरो स्पेस सेक्टर का शोकेस है, जिसकी दो इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं, हाइट एंड स्पीड। यही दोनों गुण ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की वर्किंग एवं पर्सनालिटी को डिफाइन भी करते हैं। हाइट ऑफ इंटीग्रिटी एंड कमिटमेंट फॉर इंडिया, स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड डिलीवरिंग रिजल्ट्स। विश्व के आकाश में भारत एक ऐसे सितारे के रूप में उभरा है जो न केवल स्वयं जगमगा रहा है बल्कि औरों को भी अपनी आभा से आलोकित कर रहा है। इन सबके पीछे अगर कोई प्रेरक शक्ति है तो वह है आपके आह्वान की शक्ति, आपके संकल्प की शक्ति और आपके लोक कल्याण के प्रति समर्पण की शक्ति। देवियों व सज्जनों, आज हमारा रक्षा क्षेत्र अपनी पूरी तन्मयता के साथ राष्ट्र के सशक्तिकरण के पथ पर अग्रसर है। हमारे रक्षा क्षेत्र ने पिछले कुछ वर्षों में एक लंबी यात्रा तय की है। इस यात्रा में रक्षा क्षेत्र ने सफलता के अनेक पड़ाव पार किए हैं जो आगे चलकर रक्षा क्षेत्र की मजबूती के स्तंभ बने हैं। एरो इंडिया भी उन्हीं स्तंभों में से एक है जिसने कदम दर कदम भारतीय रक्षा क्षेत्र को मजबूती प्रदान की है और इसे दुनिया में एक नई पहचान भी दी है। साथियों, कर्नाटक की भूमि धर्म दर्शन अध्यात्म शौर्य पराक्रम और विज्ञान की यह भूमि रही है। यह प्रदेश इंडस्ट्रियलाइजेशन में पायनियर रहा है और हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में योगदान देने वाले सबसे प्रमुख राज्यों में से एक है। ऐसे में एरो इंडिया के आयोजन के लिए यह बेहद उपयुक्त स्थान है। पिछले एक सप्ताह में तीन अलग अलग कार्यक्रमों में मुझे प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने का अवसर मिला है। पहला तुमकुरु, दूसरा लखनऊ और तीसरा आयोजन आज बेंगलुरु में संपन्न हो रहा है। इनमें तीनों ही कार्यक्रम इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक ग्रोथ से संबंधित रहे हैं, जिसमें से दो तो कर्नाटक राज्य से ही जुड़े हुए हैं। इससे हमें क्या देखने को मिलता है? इससे यह देखने को मिलता है कि देश के इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक ग्रोथ के प्रति प्रधानमंत्री जी का कमिटमेंट कितना स्ट्रांग है। साथियों, एरो इंडिया का यह आयोजन देश के विशेषकर कर्नाटक राज्य के इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक ग्रोथ के प्रति आपके कमिटमेंट का एक एक्सप्रेशन है। प्रधानमंत्री जी, कर्नाटक की भूमि चंदन की भूमि है। जिस तरह यहां के चंदन की सुगंध
देश दुनिया में दूर दूर तक फैलती है, उसी तरह यहां आयोजित होने जा रहे एयरो इंडिया के माध्यम से भारत की रक्षा क्षमताओं की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इस आयोजन को इतने ग्रैंड स्केल पर आयोजित करने में श्री बसवराज जी बम्बई चीफ मिनिस्टर कर्नाटका का योगदान अत्यंत प्रशंसनीय है। साथियों, भारत अपने बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट और कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस के कारण एक बेहतरीन मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन बना हुआ है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में भी यह आगे बढ़ा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की व्यापक दृष्टि और संकल्प के साथ भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और अगले 4-5 वर्षों में यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस वर्ष भारत की G20 की प्रेसिडेंसी भी ग्लोबल फोरम पर भारत के बढ़ते कद को दर्शाती है। देवियों व सज्जनों, इस आयोजन में अनेक देशों के डिफेंस मिनिस्टर्स, सर्विस चीफ्स, सीईओज, ऑफिशियल्स और डेलीगेट्स भाग ले रहे हैं। मैं आप सभी का रक्षा मंत्रालय भारत सरकार की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मुझे इस अगस्त गैदरिंग को यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि इस एग्जीबिशन में देश विदेश से 700 से अधिक एग्जीबिटर्स अपनी बेस्ट टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट्स का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस तरह की विशाल भागीदारी भारत के उभरते बिजनेस पोटेंशियल में डोमेस्टिक एवं ग्लोबल बिजनेस कम्युनिटी के एक नए कॉन्फिडेंस का भी प्रमाण है। मैं आप सभी से डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की ओर भारत की यात्रा में सहयात्री बनने का भी आह्वान करता हूं। अंत में एक बार फिर एरो इंडिया 2023 के इस महाकुंभ में हमें अपना मार्गदर्शन देने के लिए यहां उपस्थित होने के लिए प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। अतिथियों को हमारे यहां भगवान का दर्जा दिया गया है। मैं देश विदेश से पधारे देवतुल्य सभी आगंतुकों की उत्साहजनक भागीदारी के लिए धन्यवाद देते हुए यहीं पर अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।